आपके द्वारा मैं सभी संसद के सदस्य आदरणीय माननीय गुलाब नेज आजाद साहब लीडर ऑफ द अपोजिशन, दुष्यंत गौतम जी, नवनीत कृष्णा जी, मनोज कुमार झा जी, अशोक सिद्धार्थ जी, सुशील कुमार गुप्ता जी, शमशेर सिंह जी, मीर फैज जी, पटनायक जी, जो भी उनका वक्तव्य में बोले हैं, सबसे ज़्यादा उनका मन था विकास, जो दो स्टेट्स यूटीज बनने के बाद जम्मू कश्मीर जो विकास होना था वो नहीं हुआ, ऐसा कुछ लोग बताए थे। आदरणीय गुलाब नेज आजाद साहब भी रोड्स के बारे में, वाटर सप्लाई के बारे में, पावर के बारे में, एम्प्लॉयमेंट के बारे में, हेल्थ के बारे में, अलग अलग विषय पर ध्यान दिए थे। मैं बताना चाहता हूँ जो 70 साल में जम्मू कश्मीर विकास हुआ है, इस यूटी बनने के बाद अगर कंपेयर किए तो स्पीडी डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं, मगर सेंट्रल गवर्नमेंट और जम्मू कश्मीर के यूनियन टेरिटरी का सरकार एक मिलजुल कर विकास के रास्ते पे ले जाने के लिए बहुत कुछ प्रयास कर रहे और भी करने वाले हैं, मगर कोरोना के कारण कुछ जो हम टारगेट बनाए थे वो टारगेट रीच नहीं हुआ। फिर भी मैं बताना चाहता हूँ जम्मू कश्मीर के विकास के बारे में, जो भारत सरकार जो कदम उठाए इसमें मैं थोड़ा संसद का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं इस संसद के द्वारा जम्मू कश्मीर का जनता का भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। भारत सरकार यूटी बनने के बाद क्या क्या डेवलपमेंट किया है, सबसे पहले आदरणीय गुलाब नबी सादात भी कल भी जो महामहिम राष्ट्रपति जी का अध्यक्ष के भाषण में भी वो बात करते हुए लोकल बॉडी इलेक्शंस का, पंचायत राज चुनाव का वो आदर किया है। मैं बताना चाहता हूं रेवोल्यूशनरी हिस्टोरिकल डिसीशंस जम्मू कश्मीर के विषय पर, विकास के विषय पर भारत सरकार और जम्मू कश्मीर सरकार ये यूटी बनने के बाद लिया है। सबसे पहले जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंटल काउंसिल चुनाव आदरणीय प्रधानमंत्री जी अभी अभी बताएं, चुनाव सक्सेसफुली हम कंप्लीट किया है, और इससे पहले पंचायत राज इलेक्शंस में भी नवंबर दिसंबर 2018 में हम कंप्लीट किया, उसमें लगभग 74% वोटर का भागीदारी था। और ब्लॉक डेवलपमेंटल काउंसिल पहली बार आजाद के बाद, पहली बार जम्मू कश्मीर में यूटी बनने के बाद यह सरकार ब्लॉक डेवलपमेंटल काउंसिल का चुनाव किया है, उसमें 98% इसमें वोटर भागीदारी थे। अध्यक्ष जी, मैं इलेक्शन ही नहीं किया, पहली बार लोकल बॉडीज को, पंचायत राज सिस्टम को जम्मू कश्मीर में स्ट्रेंथन करने के लिए, मजबूत करने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा मिलके अब काम चल रहे हैं। नियरली 1500 crores हैव बीन डिवेल्यूड टू दी पंचायत पहली बार, और मिड डे मील स्कीम उनको जिम्मेदार दिया है पंचायत राज को, उस गांव में जो स्कूल में मिड डे मील स्कीम है और ग्राम पंचायत के सरपंच इसका जिम्मेदारी निभाते हैं। उसके साथ आंगनवाड़ी ऐसे डेवलपमेंट प्रोग्राम्स भी उनको जिम्मेदार दिया है, उसके साथ मनरेगा का काम ग्राम पंचायत को
काम करने का भी मनरेगा काम भी दिया है। उसके साथ साथ और मनरेगा के द्वारा लगभग ये एक साल में 1000 करोड़ जम्मू कश्मीर में ग्राम पंचायत में पंचायतों के द्वारा मनरेगा काम के द्वारा जम्मू कश्मीर में गांवों का विकास के लिए भारत सरकार ने दिया है। मैं बताना चाहता हूं और हर पंचायत में ग्रीवेंसेस बॉक्स भी देश में किधर भी नहीं है, मगर जम्मू कश्मीर में पहली बार ग्रीवेंसेस बॉक्स में लगाए हैं। और उसके साथ साथ अधिकारियों को भी जिम्मेदारी दिया है, हर गेजेटेड ऑफिसर्स बैक टू विलेजेस के नाम पर हर व्यक्ति 2 दिन टूर में जाना चाहिए, 1 दिन नाइट आउट करना चाहिए। ये कार्यक्रम जम्मू कश्मीर में लगातार चल रहे, हर गेजेटेड ऑफिसर बैक टू विलेजेस के नाम पर गांव गांव चलने के लिए काम किया है। गांव में जाना चाहिए, जन अभियान कार्यक्रम में भागीदारी होना चाहिए, जनता से मिलना चाहिए, हर गांव में गेजेटेड ऑफिसर जाकर उनका ग्रीवेंसेस लेना चाहिए, डेवलपमेंटल एक्टिविटी रिव्यू करना चाहिए। ये जिम्मेदारी जम्मू कश्मीर में भारत सरकार के द्वारा जम्मू कश्मीर यूटी के द्वारा आज इंप्लीमेंट हो रहे हैं। और इसके साथ साथ अर्बन एरियाज में भी माई टाउन माई प्राइड के नाम पर अर्बन एरियाज में म्यूनिसपालिटीज में भी अधिकारी बस्तियों में जाने के लिए जिम्मेदारी दिया है। उसके साथ साथ प्रधानमंत्री जी का जो प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट पैकेज का जो कार्यक्रम घोषणा किया आदरणीय प्रधानमंत्री जी, वो कार्यक्रम भी आज लगभग 54% का अभी काम शुरू हो गया और काम पूरा हो गया 54%। 20 प्रोजेक्ट्स इंक्लूडिंग सेवर सेंट्रल गवर्नमेंट, 13 यूटी प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट किया गया और कंप्लीटली होने का तैयार है। Our 8 more projects are likely to be completed by end of the financial year. All major projects on the track bottleneck removed. Kashmir to be connected with the train December 2022. Azad ke baad Kashmir mein train nahi gaye. Abhi 2022 mein train aayega. Chenab Bridge 359 meters ka height. हाईएस्ट रेलवे ब्रिज इन द एंटायर वर्ल्ड, वो जम्मू कश्मीर में बिगेस्ट रेलवे ब्रिज 359 मीटर्स का हाइट पे मेरे बन रहे, वो नेक्स्ट ईयर कंप्लीट होगा अध्यक्ष जी। और उसके साथ साथ एलिवेटेड रेल लाइट रेल सिस्टम बीइंग प्लान्ड इन श्रीनगर एंड जम्मू सिटीज टू प्रोवाइड फॉर वर्ल्ड क्लास पब्लिक ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट सोल्यूशन टू बी कंप्लीटेड इन 4 ईयर्स। ये केंद्र सरकार का रेलवे डिपार्टमेंट का ये प्लान है अध्यक्ष। और पावर के बारे में भी बात किए गए, पावर भी इन पावर सेक्टर में आज भारत सरकार बहुत कुछ काम जम्मू कश्मीर में आज शुरू किया है। जम्मू कश्मीर में आज एडिशनल कैपेसिटी ऑफ नियरली 3498 मेगावाट्स बाय 2025 को प्रोडक्शन करने के लिए एक्शन प्लान भी बना चुका है। In last 2 years alone, projects for the above 300 megawatts capacity projects revived, put on track. उसके साथ साथ मैं 333 megawatts new projects to be kick-started, historic MOU signed by NHPC in January 3, 2021 for four projects, namely Katwa और Sawalkot और अमाउंटिंग दी 34,882 करोड़ का 3000 मेगावाट्स का प्रोजेक्ट्स का भी प्रारंभ करने वाले हैं। वैसे साथ साथ पावर टू ऑल जम्मू कश्मीर अचीव्ड 100% हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन, ये रिकॉर्ड है हिल एरियाज में। भारत सरकार नरेंद्र मोदी सरकार अभी जो भी कमी था हर घर को पावर कनेक्शन देने का काम शुरू किया है, 100% अचीवमेंट हो गया है। और उसके बाद सौभाग्य के द्वारा 3,57,405 बेनिफिशियरीज कवर किया है। उसके साथ साथ और जो बॉर्डर एरियाज में विलेजेस है उस एरियाज में भी गांवों को इलेक्ट्रिसिटी दिया है। वाटर अवेलेबिलिटी वाटर फॉर ऑल जलशक्ति के द्वारा 100% कवरेज, पाइपुड वाटर सप्लाई टू ऑल
18.16 लाख रूरल हाउसहोल्ड्स इन सितंबर 22 को करने वाला है। टारगेट क्या है, आने वाले साल 2022 अक्टूबर तक 18 लाख विलेज घरों पे पानी कनेक्शन देने का टारगेट रखे हैं। विलेज रोड कनेक्टिविटी, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के द्वारा जम्मू कश्मीर विल बिल्ड 5,300 किलोमीटर रोड इन 2021, 4,600 किलोमीटर जम्मू प्रोविजन में, 700 इन कश्मीर वैली में। अध्यक्ष जी, प्रधानमंत्री डेवलपमेंट पैकेज के द्वारा जम्मू कश्मीर ए लीडिंग नेशनल लेवल इन टर्म्स ऑफ दी रोड लेंथ अचीव्ड ओवर 3,500 किलोमीटर्स रोड लेंथ कवर्ड अंडर दी बैक टैपिंग सोफर 1400 करोड़ हैज बीन स्पेंड सोफर दी ब्लैक टैपिंग। अध्यक्ष जी, जितने भी रोड था, रोड का डिफरेंट रीजन खराब हो गए थे, उसमें 1400 करोड़ खर्च करके ब्लैक टैपिंग रोड्स जम्मू कश्मीर में ये यूटी बनने के बाद किया है इमरजेंसी लेवल पे। उसके साथ साथ हेल्थ सेक्टर में आदरणीय माननीय गुनाब जायसवाल पर हेल्थ के बारे में बताए थे, जम्मू एंड कश्मीर हैज रिसीव्ड द एंटायर अमाउंट ऑफ 881 करोड़ ऑफ एलोकेशन अंडर प्रधानमंत्री डेवलपमेंट प्रोग्राम अगेंस्ट विच अमाउंट 754 करोड़ हैज बीन स्पेंट सो फार। अध्यक्ष जी, 140 ऑनगोइंग न्यू हेल्थ प्रोजेक्ट्स हैव बीन अंडरटेकन प्रधानमंत्री डेवलपमेंट प्रोग्राम, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ दो एम्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड मेडिकल कॉलेज का प्रारंभ किया है, ईच वाईपुरी डिस्ट्रिक्ट सांबा और इसके साथ साथ अवंतीपुरा पुलवामा में दो एम्स कॉलेजेस का प्रारंभ किया है, मेडिकल हॉस्पिटल्स का इंस्टीट्यूशंस का प्रारंभ किया है, उसमें एक एक एम्स को 2,000 करोड़ खर्च करने वाला है। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। उतने अध्यक्ष, 7 मेडिकल कॉलेजेस, ये यूटी बनने के बाद भारत सरकार 7 मेडिकल कॉलेज का सैंक्शन जम्मू कश्मीर ने किया है। वैसा ही नर्सिंग कॉलेजेस, 15 बीएससी नर्सिंग कॉलेजेस का मंजूर दिया है, वो भी प्रारंभ होने वाला है। उसके साथ साथ 2 स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, यूटी के द्वारा कैंसर इंस्टीट्यूट प्रारंभ किया है, वो भी श्रीनगर में और प्रारंभ होने वाला है। एक जम्मू में 2 कैंसर इंस्टीट्यूशंस भी मंजूर दिया है, ये भी बहुत बड़ा लाभ जम्मू कश्मीर जनता को उपयोग होगा। आयुष्मान भारत के द्वारा केंद्र सरकार और अच्छे काम वेलनेस सेंटर्स, जो 1089 वेलनेस सेंटर्स प्रारंभ करने के लिए टारगेट किए थे, उसमें लगभग 900 वेलनेस सेंटर्स जम्मू कश्मीर में प्रारंभ हुआ है। उसके साथ साथ आउट ऑफ 5.97 लाख फैमिलीज एंटाइल टू रिसीव इंश्योरेंस कवरेज, आयुष्मान भारत का इंश्योरेंस का काम आज तेजी से बढ़ रहे, अभी तक 65% गोल्ड का डिस्ट्रीब्यूट किया है। उसके साथ साथ हेल्थ इंश्योरेंस का काम स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी हर सिटीजन, अमीर हो, गरीब हो, एम्प्लॉय हो, उनका भी अलग काम स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा टारगेट करके हर साल को 5 लाख फॉर फैमिली ये इंश्योरेंस का स्कीम यूटी में जम्मू कश्मीर में इंप्लीमेंट होने वाला है। वैसा ही अलग अलग जगह केंद्र सरकार के द्वारा ये आउटरीच प्रोग्राम, सेंट्रल मिनिस्टर्स, यूनियन मिनिस्टर्स लगभग 30 लोग नाइट हॉल्ट करते हुए पहली बार एट ए टाइम जम्मू कश्मीर में अलग अलग जाने के लिए प्रोग्राम बनाए, मगर कोरोना के कारण फर्स्ट फेस हुआ है, दूसरा फेस अभी तक नहीं हुआ है, कोरोना के कारण रोक गए थे। ऑल मिनिस्टर्स, इंपॉर्टेंट कैबिनेट मिनिस्टर्स, मिनिस्टर ऑफ द स्टेट्स जम्मू कश्मीर में अलग अलग जगह जाकर नाइट हॉल्ट करते हुए, लोगों से मिलते हुए, डेवलपमेंटल एक्टिविटी इनॉग्रेशन करते हुए, लोगों का पिटिशंस लेते हुए नरेंद्र मोदी जी का संदेश, केंद्र सरकार का संदेश डेवलपमेंट लेते हुए
अलग अलग जग गए हैं। और ऐसा ही सौभाग्य के नाम पर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत योजना, अध्यक्ष जी जम्मू काश्मीर बिकाओ नाउ 100% ODF, ये सक्सेसफुली नरेंद्र मोदी सरकार जम्मू काश्मीर में इंप्लीमेंट किया है 100%। ऐसे ही अलग अलग कार्यक्रम हेल्थ के बारे में हो, नियरली 8 लाख स्टूडेंट्स अवार्डेड फ्री पोस्ट मेरिट एंड मीन स्कॉलरशिप्स किया है। अध्यक्ष जी 250% ये स्कॉलरशिप्स आज 8 लाख स्टूडेंट्स को दिया है, वो भी बड़ा अचीवमेंट जम्मू कश्मीर में भारत सरकार के द्वारा हुआ है। उसके साथ साथ मैं बताना चाहता हूं अप्रॉक्सिमेटली 7.7 लाख चिल्ड्रन एज ऑफ 0 to 6 ईयर्स, ऐसे ही प्रेग्नेंट वुमेन एंड आउट ऑफ स्कूल गर्ल्स आर बीइंग प्रोवाइडेड टू सप्लीमेंट न्यूट्रिशन ऑन मंथली बेसिस। सब जगह जम्मू कश्मीर में बॉर्डर विलेजेस में स्पेशली इस इंप्लीमेंट करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आदेश पर यह काम शुरू हो गए। न्यू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम, द गवर्नमेंट अप्रूव्ड ए न्यू सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर। फॉर द फर्स्ट टाइम एनी इंडस्ट्रियल इंसेंटिव स्कीम इज टेकिंग इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट टू टेक ब्लॉक लेवल एंड विल प्रमोट एंड 1000 canals during the 2021 for setting up the new industrial estate in Jammu Kashmir. Business package bhi, revival package bhi 2020 mein ye corona dekhte hue article 370 banne ke baad jo sthiti dekhte hue naya business revival package bhi Bharat sarkar ke dwara kiya hai, usme mega economic stimulus rupees 1350 कोर्स के द्वारा किया है, उसमें 5% इंटरेस्ट के द्वारा यह काम शुरू होने वाला है। अध्यक्ष जी मिशन यूथ फर्स्ट ऑफ इट काइंड मल्टीप्रोंग्ड स्ट्रैटेजी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू प्रोवाइड यूथ विद एनेबल टू अपॉर्चुनिटीज टू रियलाइज देयर पोटेंशियल। उसके साथ साथ अलग अलग प्रोग्राम उसके साथ साथ जो जॉब्स के बारे में भी एम्प्लॉयमेंट के बारे में भी आदरणीय गुलाम नबी साहब आप बताए, मैं आदरणीय आपके द्वारा संसद को बताना चाहता हूं 10,000 क्लास 4 वैकेंसीज आइडेंटिफाइड इन जम्मू कश्मीर। अभी तक 8,575 एडवर्टाइजमेंट पोस्ट के लिए एडवर्टाइजमेंट इश्यू किया है, उसमें सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा ये काम भी शुरू हो गए। अनदर 12,379 पोस्ट आइडेंटिफाइड अंडर रिक्रूटमेंट ड्राइव, 533 गेजेटेड पोस्ट है, उसमें 11,846 नॉन गेजेटेड है आइडेंटिफाई किया है, रिटर्न टेस्ट भी कंडक्ट हुआ है, उसके द्वारा आने वाले दिन में ये पोस्ट कंप्लीट करेंगे। उसके साथ साथ बैक टू विलेजेस के नाम पर जो प्रोग्राम 19,000 नौजवानों को लोन देने के लिए बैंक्स के आदेश दिया गया, अभी उसमें भी 19,000 में अभी तक मैं बताना चाहता हूं 15,200 को लोगों को नौजवानों को लोन दिया गया। वैसा ही एम्प्लॉयमेंट के बारे में 5 IR बटालियंस सिर्फ जम्मू कश्मीर के नौजवानों को रिक्रूट करते हुए 5 IR बटालियंस का रिक्रूटमेंट भी पूरा हो गया, ये काम भी शुरू हो गया। और इसके साथ साथ 2 बॉर्डर बटालियंस और 2 वुमेन बटालियंस पुलिस का जम्मू कश्मीर नौजवानों को लड़कों को देने के लिए निर्णय किया है, वो भी प्रोसेस चल रहे, बोर्ड भी कॉन्स्टिट्यूट किया है। उसके साथ साथ पैरामिलिट्री में भी हम जम्मू कश्मीर नौजवानों को मौका देते हुए रिक्रूटमेंट करने का भी निर्णय किया है। उसके साथ साथ डेवलपमेंटल एक्टिविटी में लखनपुर टोल अबॉलिश किया है, उसके कारण बहुत लोगों को फायदा मिलता है। उसके साथ साथ अलग अलग स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स इन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स एंड डिपार्टमेंट्स ऑफ इंडस्ट्रीज, टूरिज्म, फाइनेंस एंड टेक्निकल एजुकेशन, ये भी काम जोर तरीके से
जम्मू कश्मीर में हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं। उसके साथ साथ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नाउ फुल्ली अप्लीकेबल इन जम्मू कश्मीर एंड ऑल सेंट्रल लॉस आल्सो नाउ मेड अप्लीकेबल। और ये पहली बार आजाद के बाद आर्टिकल 370 हटने के बाद अभी ऑल सेंट्रल लॉस जो इस संसद में हम करते हैं हर लॉ हर जम्मू कश्मीर में लागू होते हैं। आज डिस्क्रिमिनेटेड कैटेगरीज लाइक वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजियस गोरखास सफाई कर्मचारी वुमेन मैरिड आउटसाइड गिवन जॉब्स एंड वोटिंग राइट्स ये पहले नहीं थे ये भी आज इंप्लीमेंट हो रहे हैं जम्मू कश्मीर सक्सेसफुली। उसके साथ साथ रिजर्वेशन एक्ट रूल्स अमेंडेड टू इंक्लूड लेफ्ट आउट बट डिजर्विंग कैटेगरीज सच एज ए पहाड़ीज पहाड़ीज आई बी रेसिडेंट्स ईडब्ल्यू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस इनकम सीलिंग बैकवर्ड क्लासेस इंक्रीज फ्रॉम रूपीज 4.5 लाख टू 8 लाख परसेंटेज रिजर्वेशन ऑफ ओबीएस अदर बैकवर्ड क्लासेस इंक्रीज हुआ है। ऐसा ही डेवलपमेंटल एक्टिविटी में भारत सरकार के द्वारा किया है अभी जो बताना चाहता हूं लैंड ऑर्डर का इश्यू पे भी लैंड ऑर्डर का भी इश्यू भी चल रहा था मैं इसमें जो सीज फायर वायलेशन एक ज्यादा है क्योंकि कश्मीर जम्मू कश्मीर विकास के रास्ते पे चल रहे जम्मू कश्मीर का जनता अभी 370 मांग रहे नहीं मांग रहे जम्मू कश्मीर का जनता विकास होना चाहिए नौजवान को रोजगार होना चाहिए यही आज जम्मू कश्मीर का जनता चाहते हैं। इसके लिए पाकिस्तान ये देखते हुए ये विकास नहीं होना चाहिए जम्मू कश्मीर आगे नहीं बढ़ना चाहिए इसके लिए लगातार समय समय पर घुसपैठ करने के लिए प्रयास करते हैं सीज फायर वायलेशन करते हैं। ये सीज फायर वायलेशन मैं बताना चाहता हूं लास्ट ईयर सीज फायर वायलेशन के द्वारा 127 लोग इंजूर हुए थे ये 2020 में ओनली 71 लोग इंजूर हुआ है। इन्फिल्ट्रेशन भी मैं बताना चाहता हूं इन्फिल्ट्रेशन 2019 में अटेम्प्ट किए हैं 216 समय मगर अभी 2020 में वो 99 तक कम हुआ है। उसका ही और मैं बताना चाहता हूं टेररिस्ट को न्यूट्रलाइजेशन किया है अभी 157 2019 में न्यूट्रलाइज किया है अभी 2020 में 221 तक हुआ है। इंसिडेंट टेररिस्ट वायलेंस 2019 में 594 टेररिस्ट वायलेंस हुआ है अभी 2020 में वो 244 को घट गए हैं। वैसा ही स्टोन पेल्टिंग बहुत ज्यादा होता था मैं बताना चाहता हूं 2019 में 2009 स्टोन पेल्टिंग इंसिडेंट हुआ है यह साल 2020 में ओनली 327 स्टोन पेल्टिंग इंसिडेंट हुआ है। वैसा ही अलग अलग डेवलपमेंटल एक्टिविटी में भी हो और लैंड ऑर्डर पे हो सही रास्ता पे जम्मू कश्मीर आगे बढ़ रहे हैं। इसीलिए मैं आप सब लोगों से अनुरोध करना चाहता हूं अभी ये छोटा बिल है ये बिल के द्वारा आप सब लोगों को मैं बताना चाहता हूं जो जम्मू कश्मीर रिहाइजन एक्ट में 2019 के अनुसार जम्मू कश्मीर स्टेट 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू एंड कश्मीर यूटी विथ लेजिस्लेचर और लेह कारगिल जिलाओं को मिलाकर लद्दाख को यूटी विदाउट लेजिस्लेचर बनाए गए हैं। इस दोनों यूटीज की देश के साथ कंप्लीट इंटीग्रेशन और वन कॉन्स्टिट्यूशन वन नेशन के साथ होलिस्टिक डेवलपमेंट और पब्लिक वेलफेयर को हर लेवल पर इंश्योर किया जा रहे हैं। आज इस बिल में अमेंडमेंट के द्वारा जम्मू कश्मीर कैडर और एग्बोट कैडर का मर्जर भी उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आर्टिकल 370 अब्रिगेशन से सभी कॉन्स्टिट्यूशनल एम्बिगुटीज को
हट गई हैं। आज जम्मू कश्मीर में लगभग 170 सेंट्रल लॉस की इंप्लीमेंटेशन हो रही है, जो पहले धारा 370 के कारण नहीं थे। आज जम्मू कश्मीर में सभी पार्लियामेंट का निर्णय और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स भी इंप्लीमेंटेशन हो रही है। इसके अतिरिक्त किए गए डेवलपमेंट और सोशल अपलिफ्टमेंट के प्रोजेक्ट्स भी एग्जीक्यूट किया जा रहे हैं। इन लॉस की स्मूथ इंप्लीमेंटेशन के लिए, स्कीम्स को अमल करने के लिए और प्रोजेक्ट्स को इफेक्टिव एग्जीक्यूशन के लिए कैडर की बेटर स्ट्रेंथ और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपीरियंस रखने वाले ऑफिसर्स बहुत जरूरी है। जम्मू कश्मीर के अगमोट कैडर के मेजर के प्रपोजल से जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में अगमोट कैडर के माध्यम से ऑल इंडिया सर्विसेज के अधिकारियों का सेवा ले सकते हैं और अधिकारियों का संख्या भी बढ़ेगा। और इसके साथ ही जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के डेवलपमेंट के लिए ऐसे अधिकारी भी उपलब्ध होंगे जिन्हें यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का की अनुभव है। जम्मू कश्मीर कैडर को अधिकारियों को ऑल इंडिया लेवल पर और अन्य यूनियन टेरिटरी में काम करने वाले बेटर एक्सपोजर और नया नया एक्सपीरियंस मिलेगा। इसलिए मैं आपके द्वारा सभी माननीय सदस्यों को मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, आप सब लोग यूनानिमिटी इस बिल को, इस प्रस्ताव को, इस बिल को समर्थन कीजिए। ये जम्मू कश्मीर विकास में और थोड़ा जोर से आगे बढ़ने के लिए, विकास के रास्ते में जाने के लिए उपयोग होगा। इसलिए मैं आप सब लोगों से अनुरोध करना चाहता हूं समर्थन के लिए। धन्यवाद मंत्री जी।